अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज किस वीडियो को शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 वनडे मैचेस के वजह से बड़ा फैसला आ गया। क्या रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम वनडे मैचेस खेले जाएंगे या नहीं खेले जाएंगे, सब कुछ मैं आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन पर लाजमी क्लिक करना ताकि क्रिकेट से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। जी दोस्तों, आपको बताते चले इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला शेख मोहम्मद रशीद ने वनडे मैच और T20 मैच लोड शिफ्ट करने का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि वनडे मैचेस जो है वो T20 मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं हो सकते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, इसलिए मैचेस को लोड शिफ्ट कर रहे हैं। 27 उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरान खान रैली से खिताब करने जा रहे हैं, इस वजह से और जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दोनों मैच थे वो 4 मैच थे, वो चारों के चारों लाहौर में मुंतकिल कर दिए गए हैं और इससे बहुत सारी हमें सिक्योरिटी जो है, जो हमें 2903,000 कुल हमारे पास पुलिस की 8,000 तादाद है, तो हमारे पास 3,000 पुलिस जो है वो सिर्फ स्टेडियम और उसके रास्तों के लिए और एयरपोर्ट के और उसके रास्तों के लिए लगती थी और इस तरह हमें फोर्स और मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिए हमारी फोर्स जो है वो उसमें हमारे पास नफरी बेहतर हुई है। और क्योंकि ये बड़े अहम दिन हैं, हफ्ते हैं और मैं पहले कह चुका हूँ 25 से लेके 3-4 तारीख तक, 24 से लेके 3-4 तारीख तक, ये 10 दिन जो हैं पाकिस्तान की सियासत की बहुत गहमा गहमी के दिन हैं। इसलिए हमने पहले 1,000 रेंजर्स और एफसी मंगाई थी, अब हमने 2,000 रेंजर्स जो है और एफसी 1,000 रखी है वो मंगवाई है और हमें पूरा यकीन है कि वो 5 तारीख को जो अपोजिशन आ रही है वो भी अपना जलसा करेगी।